और ये चेयरमैन, चेयरमैन का इशारा अंपायर द्वारा। अरे नेक्स्ट बॉल ले यार, इसमें इनको शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, इसी के साथ ही नेक्स्ट बॉल ले लेते यार। नेक्स्ट बॉल रन अप लेते हुए, और ये बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, मिस किया बॉल को। पहली बॉल, पहली बॉल, और ये क्या दिखाला, और ये कैच आउट हो गया मैच में, यूनाइटेड 11 का विकेट गिरा 99 के स्कोर पे, दूसरा विकेट। बैट्समैन संदीप, तो अब तो जो है दिल्ली से बाहर भी अब अच्छी अच्छी फोटोग्राफी का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि मौजूद हैं कि वो भी एक पहुंच पधारी नहीं है, इतने में हमारे खिलाड़ियों के आशीर्वचन दें। श्री डी एन शेखर साहब, कृपया आपसे निवेदन है, ये रेड टी शर्ट वाले जो, हेलो, ये वही कप है जो कि विजेता खिलाड़ी को मिल, विजेता टीम को मिलने वाला है। बॉलर ने पूरा दबाव, रविंद्र यादव पे और आउट, इसी के साथ एक खिलाड़ी आउट, दू नहीं दू, बट आखिरकार एक विकेट गिरते हुए मूर्ति सर बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट बैट्समैन बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उन्होंने अपना आदर्श कपिल देव को बताया था। रिपोर्टर्स 11, रिपोर्टर्स 11 के 38 रन हो चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद और ये इसी के साथ आउट, बहुत ऊंची कैच थी। रविंदर जी किसी परसों पेश में है कि क्या किया जाए, लेकिन अभी भी हमारे मद्देनजर इस प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वस्थ और फिट रहने के लिए। हमारे बीच में हमारी सबकी प्रिय परंपरा को चला रहा है जो सचिवालय के कार्यक्रम को, सुचारियों को, एक दूसरे को जानने का अवसर भी प्रदान करता है। हम आपके आभारी हैं। आयोजन में इनका बहुत सहयोग एवं योगदान रहा है, इसके लिए हृदय से हम इनका योगदान अभूतपूर्व है। आप सभी से अनुरोध है कि शिव कुमार जी का स्वागत करें। अब मैं लोकसभा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष
श्री संजीव कुमार से अनुरोध करती हूं कि वे सचिवालय की गतिविधियों के बारे में कुछ बताएं। मेरे साथियों, आप सभी का लोकसभा सचिवालय खेल कूद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। और लेखी मैम ने हमारी काफी मदद करी है इस मैदान को बहुत ही शॉर्ट नोटिस में दिलवाने में। उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और उनका स्टाफ भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। पूरे सचिवालय के एसोसिएशन की तरफ से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक हमने बिल्कुल बुरी तरह से बैन कर रखा है इस कार्यक्रम में। उसका बेसिक मकसद यही है कि को हम नहीं जानते हैं, साथ काम करते 10-15 साल होने के बावजूद हमको यहाँ एक। अब मैं माननीय सांसद महोदया श्रीमती मीनाक्षी लेखी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। और 16 तारीख को मैच खेलने जा रहे हैं, तो मैंने कहा अगर 16 को आप, और बोले आप आके खेलो। मैं कहा देखो मैं खेलूंगी तो तुम पक्का हारोगे, तो इसलिए मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन मैं आऊंगी जरूर। तो थोड़ा वो टीम स्पिरिट भी रहनी चाहिए और अंडर हैंड बॉलिंग अलाउड नहीं है, ओवर हैंड नहीं चाहिए। और बैटिंग भी साइकिलिंग आप में से कौन कौन करता है? हाँ नहीं नहीं, थोड़ा एक वो वाली टीम भी तैयार करते हैं ना। हाँ वो देखेंगे, बट एक ट्राई करते हैं, एक वो एफर्ट भी शुरू करते हैं साइकिलिंग वाला। अब फिट इंडिया प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, हम सबके लिए ही किया है एक्चुअली, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा अनफिट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वापस फिटनेस की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और आप सबका भी जब काम है तो मुझे वो भी पता है कि कितना स्ट्रेसफुल काम होता है। अगर 24 घंटे तो 16 से 20 घंटे भी काम करना पड़ता है, और कई बार वहाँ पे भी रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है, नाइट शिफ्ट लेट शिफ्ट। और पीएम साहब का तो जैसे स्पीड है काम करने की, और जितना फिटनेस उनका खुद है तो उनको लगता है सबको उतना ही फिट होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि मेरी उम्र में आकर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है कि जो जो गलतियां पहले की अभी भी टाइम है थोड़ा सुधरने का, तो सुधर जाना चाहिए। तो मेरी उम्र के आसपास वाले लोग जो भी हैं वो लोग का भी टाइम है सुधरने का। और हम सब लोग बचपन में तो खेलते ही थे और बहुत शौक से एंजॉय भी करते थे। जब ऐसे मैचेस होते हैं, फ्रेंडली मैचेस होते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल के खेलते हैं। बिल्कुल सही कहा संजीव जी ने कि आपस में जानने का भी मौका मिलता है और एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो भी बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रहे, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। और जो इतना बड़ा मैसेज है प्लास्टिक फ्री इंडिया का, सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने का, वो तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसमें हर भारतीय का सहयोग नहीं होगा। सब लोग, मैं भी 15 साल पहले तक ओक से पानी पीते थे या नहीं? पीते थे ना। ओक से पानी पीना बंद कर दिया हम लोगों ने। और आप कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो एयरपोर्ट पे उन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ है, और फाउंटेन में ऐसे मुंह ऊपर करके हाफ अप करके पानी पीना पड़ता है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा सहूलियत तो ओक से पानी पीने की, हाथ भी धुल जाते हैं। बार बार पानी पीने जाओगे तो उतनी बार तो हाथ भी धो लोगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जो परंपराएं थी वो बेहतर थी। हर व्यक्ति टिफ़िन लाता है तो टिफ़िन लाए ना लाए पानी की बॉटल साथ रखना, शीशे की बोतलें टेबल पे रखना, शीशे की बोतलें रीयूज़ करना, सब मेरे को लगता है सब हाथ खड़ा करें कि 15-20 साल पहले तक हम सबके घरों में रूह अफ़ज़ा की बोतलें धुलकर फ्रिज में लगती थी या नहीं? लगती थी ना। सब हाथ खड़ा करो। कोई ऐसा घर जो प्लास्टिक की बॉटल खरीद के लाता था? नहीं। आज भी हाथ खड़ा करो कि कौन बॉटलें रीयूज करता है और कौन नई प्लास्टिक की बॉटल खरीद के लाता है। सब लोग नई प्लास्टिक की बॉटल खरीद के लाते हैं। नहीं, सिर्फ ग्लासेस नहीं, प्लास्टिक की बॉटल भी बैन। हाँ, डिस्पेंसर यूज करेंगे, मटके यूज करेंगे। मटके वाली बॉटल्स बहुत अच्छी हैं। जो डिस्पेंसर है ना, आजकल हमने ग्रीन भंडारा किया था, उसके अंदर हमने डिस्पेंसर्स ही मिट्टी के बने हुए रखे थे, मटके वाले। नीचे उसमें छोटा सा टूटी लगी हुई है, तो सब ओक से पानी पी सकते हैं। तो आई थिंक वो अगर हम लोग को लगातार मैचेस खेलने हैं, कुछ करना है, तो ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी साथ में
कि दो चार पांच डिस्पेंसर ले आए भर के रख दिए, ये हमको कर लेना चाहिए और परमानेंटली ऐसा कि वो सिक्योरिटी के माध्यम से वापस पार्लियामेंट में जाके शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसने मैसेज बहुत बड़ा पीतल और कुछ एक ग्लास का कांसे के कॉपर के ऐसी चीज़ें होती थी, वैसी उससे भी ज़्यादा ही होंगी थोड़ा। तो मैंने कहा कि क्यों आने जाने वालों के लिए रखा आपने, हमें नहीं खाने देना। तो तुम लोग चीनी बोलते थे उस वक्त, तुम चीनी के बर्तन बहुत तोड़ते। कोई साइंटिस्ट तो नहीं थी लेकिन उनको भी ये समझ थी कि ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। प्यार से मौसी लेके आई है तो शोकेस में सजा दो लेकिन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये पॉइजन है। एक मैं लोक सभा मैडम के मोमेंटो देते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। अगली मैच में देखेंगे। बिल्कुल मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैडम ने एक हमें नारा दिया है, से नो टू प्लास्टिक। आज हम सब तेजी से बोलेंगे, मैं बोलूंगा से नो टू, आप बोलेंगे प्लास्टिक। से नो टू, से नो टू। एक छोटी सी भेंट देते हुए जिसमें LSEA लोकसभा एम्प्लॉयज एसोसिएशन लिखा है और पीछे उनका बहुत सुंदर नाम त्रिलोकी जी शिव लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक इनका फिटनेस लेवल नहीं देखा लोगों ने, बताइए। नहीं नहीं फोटो ले रहे हैं ना। इनसे ले लेंगे फोटो, फोटोज आपको मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएगी। इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से भी, एम्प्लॉय को खासकर जो है फिट रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, किस तरह से आप इसमें? मैं लोकसभा एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो कि हमारे साथ
लोकसभा में काम करने वाले सभी लोग हैं, मैं उनको उनकी एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो केवल लोकसभा चलाने वाले अधिकारी कर्मचारी लोग नहीं हैं बल्कि इस देश में रहने वाले नागरिक भी हैं और वो नागरिक होने का अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को कहा और इन सब के भी वर्किंग आवर्स जब पार्लियामेंट चल रही होती है बहुत ऑड होते हैं, लेकिन बावजूद उसके सब लोग अपनी फिटनेस के लिए चिंतित रहें और काम भी करें, मेहनत भी करें और एक टीम की तरीके से हम सब लोग काम करते हैं, तो आज वही टीम का जो भाव है दिखाई देता है। सब लोग मिलके खेल रहे हैं और एक टीम स्पिरिट भी है और साथ में आप देखिए महिलाओं की टीम को तो 16 को ये खेलने वाले हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और सबके साथ खेलने के लिए। और साथ ही जो से नो टू प्लास्टिक कैंपेन भी चलाया है, ये पूरा प्रेमिसेस जो है प्लास्टिक के बिना है, ना कोई ग्लासेस हैं, ना कोई प्लेट्स हैं, खाने के बर्तन नहीं हैं, कुछ भी ऐसा प्लास्टिक की पानी की बोतलें भी नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कोशिश है और ये कोशिश मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश भर में अन्य सब लोग भी मिलकर इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे।